गजवा ए हिंद नहीं अब चलेगा भगवा ए हिंद। इंदौर के इंद्रपुरी कॉलोनी में हिंदू राष्ट्र संगठन के बैनर तले कुछ पोस्टर लगाए गए हैं जिन पर लिखा है बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है। इन पोस्टरों के माध्यम से लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद और त्योहार जिहाद जैसे विषयों का उल्लेख करते हुए हिंदू समाज को एकजुट रहने का संदेश दिया गया है। इन पोस्टरों के साथ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भी पोस्टर लगाए गए हैं। कुछ युवाओं ने उनके पोस्टर हाथ में लेकर नारेबाजी की, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। बताया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र संगठन द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें घर घर जाकर हिंदू समाज को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। संगठन का कहना है कि हिंदू समाज को एकजुट होना चाहिए ताकि गजवा ए हिंद के खिलाफ भगवा ए हिंद को मजबूत किया जा सके। इस घटनाक्रम पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है देश को गजवा ए हिंद या भगवा ए हिंद नहीं, गांधी ए हिंद की जरूरत है। कांग्रेस ने प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिशों पर कड़ा जवाब देते हुए कहा है कि नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। विवादित पोस्टरों को लेकर सामाजिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। कई लोगों ने सरकार से मांग की है कि ऐसे संगठनों और उनकी गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाई जाए जो समाज में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। गजवा हिंद चलेगा उसका मतलब निश्चित रूप से जो गजवा हिंद जो लोग चलाते हैं, जो असामाजिक लोग जो हिंदुओं को तोड़ने की बात करते, हिंदुओं को काटने की बात करते, ऐसे लोगों के खिलाफ हिंद राज संगठन मैदान में है और उन्होंने घर घर जाके हिंदू समाज के लोगों को जागृत करने का एक अभियान चलाया है और पोस्टर लगाकर उनको समझाइश दी और बताया कि जब तक हिंदू एक नहीं होगा जब तक सेफ नहीं होगा। तो हिंदू जब एक है तो सेफ है और जो गजवा हिंद है उसको हम समाप्त करके भगवा हिंद चलाएंगे। बाहर आप लोगों ने देखा यहाँ पोस्टर लगे हुए हैं तो लोग एक होना चाहते हैं, एक होने की निश्चित रूप से लोग एक होना चाहते हैं, बस उन तक पहुँचने की आवश्यकता है क्योंकि हिंदू समाज कहीं ना कहीं भटक जाता है गलत लोगों के चक्कर में, लगाव में, पर लेकिन अब हिंदू समाज एक है। तो ये हिंदराज संगठन की तरफ से आप बिल्कुल हिंदराज संगठन का राजेश शिरोडकर हिंदराज संगठन प्रदेश अध्यक्ष। बट रहा है, युवाओं का माइंड वॉश हो रहा है, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो रहा है। हमारे युवा ही है जो इस देश का भविष्य बनाएंगे। अगर वही ऐसे बढ़ जाएंगे तो फिर हमारा राष्ट्र जो एकजुट करा है हमारे शासकों ने जिस पहले शासन किया था वो ऐसे एकजुट नहीं रह पाएगा। इसलिए आप लोग कौन बहला पुछ ला रहा है, कौन क्या लगता है ये नेता है वगैरह कर रहे हैं पॉलिटिक्स में जो है। और आपको लगता है कि लव जिहाद से कैसे बचना है, कौन लोग लव जिहाद से? माइंड वॉश हो रहा है बेसिकली, मैं वही बोलूंगी माइंड वॉश हो रहा है, माइंड वॉश कर रहे हैं सब। अपना नाम बता दीजिएगा। मनीषा चलाटे। ठीक।